नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह होंगे। आइए डालते हैं आज की क्या शुरुआत। आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के तैयारियों के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी जिला अधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने विशिष्ट मंडी परिसर अमरपुर का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने मंडी परिसर में मतदान कर्मियों का सीटिंग सेंटर, पोलिंग पार्टी, रवानगी स्थल, मतदान वाहनों के पार्किंग स्थल आदि का स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जनपद में पांचवें चरण में 20 मई को मतदान है। इस दौरान विधानसभा ललितपुर 538 एवं मैरोनी के लिए 518 कुल 1056 पोलिंग पार्टियां बनाई गई हैं, जो दिनांक 19 मई को अमरपुर मंडी से रवाना होगी। इस हेतु सभी संबंधित अधिकारी तैयारियां दुरुस्त रख निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक, उप निर्वाचन अधिकारी अपूर्व निर्वाचन अधिकारी अंकुर श्रीवास्तव, जिला स्तर के समस्त अधिकारी ललितपुर में हजरत बाबा संसार रहमत अल्लाह की सरजमी पर आयोजित कुर्स मुबारक के दूसरे दिन शहरी और महफिल कव्वाली का दौर चला, जिसमें आए नामी गिरामी कव्वाल ने एक से बढ़कर एक उमदा कलाम व गजल पढ़कर सभी को मदमस्त कर दिया। शहरी चली महफिल में कव्वाल के सूफियाना अंदाज ने ऐसा समा बांधा कि सभी श्रोता जमे रहे। कौमी एकता के प्रतीक हजरत बाबा सदन शाह के 106वें उर्स इजलास के दूसरे दिन देश के प्रख्यात कव्वालों ने अपने अपने फन पेश किए, जिस पर उर्स कमेटी के मुख्य संरक्षक राज्य मंत्री मनोहर लाल ने कव्वालों की खूब सराहना की। सदारत उर्स कमेटी के सदर हाजी बाबू बदरुद्दीन कुरैशी ने की। उन्होंने मेहमान कव्वालों को फूलमाला पहनाकर व बैज लगाकर के स्वागत किया है। हिंदुस्तान के मशहूर कव्वाल आफ्ताब हाशिम साबरी ने अपने अपने कलाम से लोगों को झूमने पर में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सकुशल शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने तहसील तालवेट के जोन संख्या 1 पूरा कला अंतर्गत सेक्टर संख्या 1 वृद्धा के समस्त मतदेय स्थलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राथमिक विद्यालय हसार कला खुर्द, कन्या प्राथमिक विद्यालय नत्थीखेड़ा कंपोजिटिव, उच्च प्राथमिक विद्यालय नत्थीखेड़ा एवं प्राथमिक विद्यालय कंधारी खुर्द में बने मतदेय स्थलों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व पारदर्शिता से संपन्न कराने में कोई कोर कसर न रहे, इस हेतु सभी केंद्रों पर संपूर्ण व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से ही सुनिश्चित करा लें। केंद्रों पर रोशनी, प्रकाश एवं जनरेटर की व्यवस्था, साफ सफाई, शौचालय, पानी के पीने की व्यवस्था, रैंप, शौचालय, बैरिकेटिंग, छाया हेतु टेंट व्यवस्था, कुर्सियों एवं मेजों की व्यवस्था, कूलर पंखा आदि की व्यवस्था मतदान के पूर्व दुरुस्त करा लें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। निरीक्षण के दौरान उप जिला अधिकारी निशांत तिवारी, जोनल मजिस्ट्रेट शैलेश कुमार, तहसीलदार चंद्रकांत तिवारी, खंड विकास अधिकारी दीपक यादव, होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी पूरा बिरदा डॉक्टर राजेश साख, खंड शिक्षा अधिकारी तालबेहट, SDO विद्युत विभाग तालबेहट सहित पुलिस विभाग के अधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार व थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अर्धसैनिक बल के साथ आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के साथ साथ मतदाताओं में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए कोतवाली क्षेत्र अंगतिकल संवेदनशील पोलिंग बूथों व मिश्रित आबादी वाले स्थानों पर फ्लैग मार्च एवं एरियल डोमिनेशन किया गया। मोहल्ला चौक बाग मोहल्ला गोविंद नगर रावतियाना रोहितियाना नदीपुरा मोहल्ला चौबियाना मोहल्ला रावपुरा महावीरपुरा कटरा बाजार मेन मार्केट घंटाघर नीचर चौराहा आजाद नगर चौराहा गोविंद नगर 13-13 तेलगु गाँव में फ्लैग मार्च एवं एरियल बाजार में टूटी पुलिया को सुधारने की मांग ललितपुर नागरिक विकास मोर्चा के अध्यक्ष हरि बाबू शर्मा ने जिला अधिकारी कार्यालय में पहुंचकर जिला अधिकारी को एक बाजार से बताया। रामलला मंदिर के पास मुख्य बाजार में सड़क की पुलिया टूटी हुई है, जिससे लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। नागरिक विचार मोर्चा के अध्यक्ष हरि बाबू शर्मा ने जिला अधिकारी ने मुख्य बाजार स्थित दोनों पुलियों का निर्माण करवाए जाने की मांग उठाई है। जिला अधिकारी ने मामला को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करने का आश्वासन को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती, अपना बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।